नमस्कार, मैं एंकर मैं सिंह। यह लखनऊ में लूलू मॉल क्या बना, रोज विवाद हो रहा है, क्या चक्कर है? जी जी, लूलू मॉल पर इतनी तरह के बवाल काटे गए हैं कि इसकी बवाल प्रियता को देखकर एक लूलू बवाल केंद्र बनाया जा रहा है, जिसमें टूरिस्ट तरह तरह के बवाल काटेंगे और उनके वीडियो बनेंगे और वायरल होंगे और टीवी चैनलों को टीआरपी मिलेगी। लूलू बवाल केंद्र का उद्घाटन संजय राउत से कराया जाएगा ताकि बवाल रोज का साहब हर घंटे पे हो। जी, और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने अपने पापा ईश्वर सिन्हा से कहा कि आप राष्ट्रपति के बजाय उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते तो बेहतर था। इस पर यशवंत सिन्हा ने अपने बेटे से कहा कि तूने तो सांसदी वाला अपना वोट भी मुझे राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं दिया, तो क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में तू मुझको वोट देता? इस पर जयंत सिन्हा ने कहा कि पापा, बात यह है कि जब हार तय हो तो राष्ट्रपति के बजाय उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए। छोटी पोस्ट पर हारने से बेइज्जती का साइज छोटा हो जाता है। खबरें यह है कि शरद पवार पीएम मोदी से मिले। ये वही शरद पवार है जो कभी राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाले थे। जी, शरद पवार ने मोदी से कहा कि आप तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपने मेरी इज्जत का क्या हाल किया कि कुछ समय पहले तो मेरे राष्ट्रपति बनने की चर्चा थी और अब आपने तो मुझे महाराष्ट्र का सुपर सीएम भी नहीं रहने दिया। इस पर मोदी जी ने कहा, अब पवार साहब, राष्ट्रपति बनने का शौक हो तो श्रीलंका निकल जाइए ना, वहाँ तो अभी वैकेंसी है, अभी वहाँ पक्का राष्ट्रपति नहीं आया है। जी, चीन के कंपटीशन में, ऑनलाइन गेम्स के कंपटीशन में भारत सरकार कुछ कदम उठा रही है, क्या है वे कदम? देखिए, भारत सरकार ने एक गेम बनवाया है, कंप्यूटर गेम, रिसोर्ट रन ऑफ नेता, रिसोर्ट टू रिसोर्ट नेता। अब चीन परेशान है। चीन भारत जैसे रिसोर्ट तो बनवा सकता है, लेकिन भारत जैसे नेता कहाँ से लाएगा? और ये शिवसेना में क्या मारधार चल रही है? देखिए साहब, एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि असली शिवसेना उन्हीं की है। एकनाथ शिंदे के हाथ का एक बोर्ड देखकर उद्धव ठाकरे बहुत टेंशन में है। उस बोर्ड पर लिखा था, असली शिवसेना हमारी है और हमारी कोई ब्रांच नहीं। विराट कोहली का खेल तो लगातार गड़बड़ चल रहा है। देखिए साहब, धीमे धीमे विराट कोहली का हाल रिश्तेदारी के उस सीनियर फूफा जैसा होता जा रहा है, जिसका रुतबा, जलवा, आतंक, धमक तो बहुत होती है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। जी, ब्रिटेन में भारत मूल के ऋषि पीएम बनने वाले हैं, क्या समाचार है? देखिए साहब, भारतीय मूल के लोग जो ऋषि साहब के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने की बात सुनकर खुश हो रहे हैं, उनका हाल इलाहाबाद के छिद्दू अमरूद वाले जैसा है। इलाहाबाद का छिद्दू अमरूद वाला अपनी रेहड़ी के हर ग्राहक को बताता है कि अमिताभ बच्चन साहब हमारे इलाहाबाद के हैं, लेकिन मुंबई में अपने घर के गेट के 5 किलोमीटर दूर तक भी देखने की परमिशन नहीं देते।